टीचिंग मॉडल, क्योंकि ये सीरीज जो है प्रॉपर वो टीचिंग मॉडल की चल रही है, तो मैं आज आपसे जो है एक और मॉडल की बात कर रही हूँ, दैट इज द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन टीचिंग मॉडल ऑफ हॉबर्ट हेलर। ठीक है जी, तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, राइट, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने रोल प्ले किया था, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस टाइम वी आर डूइंग द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन टीचिंग मॉडल। तो बेसिकली दिस मॉडल इज गिवन बाय द हॉबर्ट हेलर, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स क्या रखते हैं, सिंटेक्स में कुछ फेजेस गिवन है, जस्ट एक सेकंड। सिंटेक्स में सबसे पहले क्या आता है, फेज वन, एनकाउंटर द पजलिंग सिचुएशन योर अनप्लान्ड या प्लान्ड, या हमें एक वो सिचुएशन हैंडल करते हैं। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मतलब हम एक ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप में क्या काम करते हैं, एनकाउंटर पर सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रुप इन्वेस्टिगेशन दिया किसने। तो हॉबर्ट हेलर ने ये जो है मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन है ना, उसको एनकाउंटर करते हैं, फिर उसमें एक्सप्लोर करते हैं क्या रिएक्शंस आने वाले हैं, फिर हम लोग कुछ फॉर्मुलेट करके देखते हैं, स्टडी को टास्क करके एंड ऑर्गेनाइज फॉर द स्टडी, एंड देन उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी होती है। एनालाइज द प्रोग्रेस, और उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई है उसको हम नोट डाउन करते हैं, एंड द प्रोसेस, एंड एट द लास्ट में सिक्स जो है हम लोग रिसाइकल करके देखते हैं एक्टिविटीज को। तो जो सिचुएशन है उसको देखने के बाद उस पर एक्सप्लोर करते हैं कि उस सिचुएशन को, जो पजलिंग सिचुएशन है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी में हमारा जो सोशल सिस्टम है वो क्या है, सोशल सिस्टम क्या हेल्प करता है कि वो एक तरह का डेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वर्क होता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक यानी कि आपको एक ब्रदरहुड हार्मनी क्रिएट करनी पड़ती है, एंड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन पे लिए जाते हैं। प्लस यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं उनका इक्वल स्टेटस देखने को मिलता है, मतलब दे म्यूचुअली वर्क करते हैं सोल्यूशन के लिए। फिर इसमें रिएक्शंस क्या क्या आते हैं कि टीचर जो होती है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, जहाँ टीचर का जो रोल होता है जस्ट एज अ काउंसलर होता है, कंसल्टेंट होता है और फ्रेंडली सेंट्रिक होता है, यानी कि वो एक फ्रेंडली की तरह आपको क्रिटिक भी करती है। अब टीचर क्या करती है, टीचर आपको गाइड करेगी, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और ये तीन लेवल पे वो कर सकती है। सबसे पहला जो लेवल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे वो प्रॉब्लम की नेचर क्या है ये आपको बता सकती है, या कौन कौन से इसमें फैक्टर्स इंक्लूड हैं वो आपको बता सकती है। सेकेंड चीज, वो ग्रुप मैनेज कर सकती है, टीचर ही तो है जो आप देखिए, अगर ग्रुप में क्योंकि आपके पियर स्टूडेंट्स होते हैं तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ जो है क्वरलसम लड़ाई हो जाती है, या थॉट्स आपके मैच नहीं करते हैं, तो एट दैट टाइम यू नीड अ लीडर, तो वो लीडर टीचर करती है। तो ग्रुप को मैनेज करने का काम करती है, जहाँ पे होल इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको लेनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचर प्रोवाइड कराएगी, और आपको जो है लेवल ऑफ इंडिविजुअल मीनिंग यानी कि हाउ डू यू फील अबाउट दीज कॉन्क्लूजन्स, कि आपको क्या लगता है इन कॉन्क्लूजन से, या व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ नोइंग अबाउट, या आप इससे अलग और क्या करोगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पुट होते हैं। द इंटरवेंशन बाय द टीचर मस्ट बी मिनिमम अनलेस द ग्रुप जो बॉक्स एंड डाउन द सीरियसली, तो ये बेसिकली उसके रिएक्शंस हो गए। नाउ व्हाट इज द सपोर्ट सिस्टम वर्क हियर, कि जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है वो नीड ऑफ द स्टूडेंट के बेसिस पे होता है, एंड फर्स्ट क्लास जो है वो लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड विद द बुक्स से भरी हुई है, मल्टीमीडिया है, तो ये तो सपोर्ट सिस्टम है ही, चाहे वो लाइब्रेरीज हैं, मल्टीमीडिया जो है और सॉर्ट ऑफ बुक्स हैं, या और सॉर्ट ऑफ नेट इंटरनेट सर्फिंग करके आप जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड वेयर डू यू अप्लाई दिस, जब आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो, जब आपका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना हो, जब आपको ऑल एज लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं काम एक साथ करें और दिक्कत ना हो, इंक्वायरी अबाउट एनी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कर सकते हैं, इंटरेक्शन लेवल अच्छा होता है यहाँ पे, डिसीजन पावर अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी होती हैं, एंड टू एनहांस द कम्युनिकेटिव स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, यहाँ पे होता है कि आप कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ग्रुप इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कि सारे ही जो आपस में लोग काम करें, ग्रुप में काम करें, उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या है, आपको ये जो स्टूडेंट्स की नीड है उसको फुलफिल करता है, एंड एट द लास्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शनल और नर्चरेंट इफेक्ट आता है। अब इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स कौन से होते हैं, इफेक्टिव ग्रुप प्रोसेस एंड गवर्नेंस का, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ नॉलेज, कि आपने न्यू नॉलेज को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है ग्रुप में, एंड डिसिप्लिन ऑफ कोलैबोरेटिव इंक्वायरी होती है यहाँ पे, कि कोलैबोरेटिवली आप क्वेश्चनिंग होती है ना, ये हो गए इंस्ट्रक्शनल। और उसके नर्चर, उसके क्या आते हैं,
यहाँ पे जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो डिग्निटी क्रिएट करता है, सोशल इंक्वायरी अच्छी हो जाती है क्योंकि सोसाइटी में जो है क्वेश्चनिंग अच्छे से पुट कर पाता है, और उसको एक इंटरपर्सनल जो है एफिलिएशन मिलता है इन सब चीज़ों के बाद में। तो आप ये समझ रहे हो कि ग्रुप इन्वेस्ट ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ऑफ हर्बर्ट हेलन तो अब इसमें इन्होंने 6 स्टेप्स कुछ दिए थे, हर्बर्ट ने जो है हर्बर्ट हेलन ने कुछ 6 स्टेप्स दिए थे, जिसमें सबसे पहले होता है प्लानिंग करना, चूज करना, प्लानिंग द थीम, किस थीम के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, फिर हम कुछ होमोजीनियस ग्रुप्स जिनका एक ही मोटो हो यानी एक ही गोल हो, एम हो, जो सेम एबिलिटी इंटरेस्ट वाले हो, उनका एक ग्रुप फॉर्म कर लेना, फिर प्लानिंग एंड डिवाइड कर देना ग्रुप्स को, क्योंकि ग्रुप में आप काम कर रहे हो तो हर किसी का जो है आप टास्क जो है सब टॉपिक्स है या जो भी रिसर्च काम है डिवाइड कर दो प्लानिंग करके, एंड देन उसके बाद जो है कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन यूजिंग वेरियस सोर्सेज एंड मेथड्स का यूज करके जो है आप उसमें जो है काम शुरू कर सकते हो, है ना। एंड कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया वेरियस सोर्सेज या मेथड से लेके, फिर हम लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार किया क्लास में, और देन लास्ट में होता है इवैल्यूएशन, राइट। तो ये मेथड तो आपको पता ही है कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ग्रुप में काम को डिवाइड कर देना, एंड देन हर एक का जो काम है कंडक्ट वो अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, चीज़ों को सर्च करना, देखना, फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है, हर एक बंदा जो है अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, और फिर एक कंक्लूजन निकाल के इवेलुएट किया जाता है कि किसका काम सही था, किसने सही से काम किया, किसने ग्रुप वर्क में रह के काम किया। क्लियर है इतना। तो ये था ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जो किसने दिया था, हर्बर्ट थेले ने। अगर ये आता है क्वेश्चन तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करना और सही करके आना, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे किसी और मतलब नेक्स्ट जो है टीचिंग मॉडल के साथ में। सो सेशन को लाइक करते रहिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जरूर 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 सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।